हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम मॉड्यूल थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे आज सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। आज के लेक्चर का काफ़ी यूज होगा क्योंकि आपका मेन टॉपिक तो सीरीज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस मॉड्यूल में, सीरीज और उसकी कन्वर्जेंसी बाई डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। ओके, और फोर ईयर सीरीज हम पढ़ेंगे उसके बाद, तो सीरीज में इसका काफ़ी यूज है सीक्वेंस का। तो आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिक, वैसे तो सीक्वेंस अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जितना यूज होगा उतना मैं आपको बताऊँगा, आपके सिलेबस के हिसाब से जितना यूज होगा केवल वही हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सीक्वेंस और उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं सीक्वेंस क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस क्या होती है तो आपका यही जवाब होगा कि संख्याओं का क्रम। अगर हम संख्याओं का क्रम लेते हैं तो वही हमारी सीक्वेंस कहलाती है। लेकिन हम संख्याओं का क्रम डायरेक्ट बोल दिया हमने, लेकिन हम सीक्वेंस को एक फंक्शन की तरह डिफाइन करते हैं इन जनरली, जो कि मैं करने वाला हूँ अभी। तो देखिए डेफिनेशन सीक्वेंस की क्या होती है। सीक्वेंस में हमने डिफाइन किया है कि एस हमारा कोई सेट है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, कोई नॉन एम्प्टी सेट हमने मान लिया कैपिटल एस को। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एक हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जिसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ एस, और उसके रेंज को हमने माना है एस का सबसेट या खुद एस ही माना है, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह के फंक्शन डिफाइन कर दें जिसका डोमेन तो फिक्स कर दें, नेचुरल नंबर का सेट हो और रेंज हमारा सेट एस हो सकता है या उसका सबसेट हो सकता है, तो इस तरीके से जो फंक्शन है ये डिफाइन करेगा सीक्वेंस को। और चूँकि सीक्वेंस हमने एस पे डिफाइन किया है सेट पर, तो एस में ये सीक्वेंस डिफाइन होगी। और सीक्वेंस की अगर नोटेशन की बात करें तो सीक्वेंस को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो ये सिंबल जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, या फिर या दूसरा सिंबल ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला होता है ये यूज करते हैं। और ये हमारा एक्सएन जो लिखा है ये सीक्वेंस की nth टर्म हमारी होती है, ठीक है। कैसे डिफाइन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट लिखे हैं, वापस फिगर से बताता हूँ आपको। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट फिक्स है डोमेन जो हमने लेना है, और इधर हमारा एस सेट फिक्स है जो हमने माना है। एन के एलिमेंट आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर के सेट इस तरीके से होते हैं। एस के एलिमेंट हमने कंसिडर किया x1, x2, x3, x4 ...... तो इनके बीच में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ना, जो कि फंक्शन एफ है। ओके, अगर फंक्शन नेचुरल नंबर के एलिमेंटों पर लगेगा तो हमें कुछ इस तरीके का एक सेट नज़र आएगा जिसको हम एफ एन से डिनोट करेंगे। यदि एन की वैल्यू 1 देंगे तो आपको एफ 1 मिलेगा, एन की वैल्यू 2 देंगे तो आपको एफ 2 मिलेगा, और एन की वैल्यू 3 देंगे तो एफ 3 मिलेगा। इस तरीके से आपको ये एक सेट की फॉर्म में मिलेगा। और अगर एफ एन की बात करें, अगर हम मैपिंग डिफाइन कर दें 1 की मैपिंग x1 पर, 2 की मैपिंग x2 पर, 3 की मैपिंग x3 पर, 4 की मैपिंग x4 पर, तो ऐसे ही n की मैपिंग xn पर चली जाएगी, तो ये जो fn एलिमेंट है ये xn बन जाएगा, है ना। और f1 हमारा क्या होगा, x1 x2 x3 ...... और यही हमारी होती है सीक्वेंस की नोटेशन, ठीक है। xn हमारा यहाँ पे जनरल टर्म होता है, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्शन जो है nth टर्म होगी सीक्वेंस की। तो एक्चुअली में क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स है, नेचुरल नंबर का सेट होना है, और रेंज जो है अगर आप एस सेट लेते हो कोई, है ना, या उसका सबसेट लेते हो, तो इस तरह हम किसी सेट पर सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। फिर जिसमें मेन टॉपिक आपका है वो है रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। वो हमारी क्या होती है, रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अभी ऊपर हमने एक सेट एस पर सीक्वेंस डिफाइन की थी, ठीक है ना। अगर उस एस सेट को हम रियल नंबर का सेट मान लेते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसका डोमेन तो नेचुरल नंबर रहे लेकिन जो हमारा रेंज है अगर हम उसको रियल नंबर का सेट या उसका सबसेट मान ले, तो उस केस में जो सीक्वेंस डिफाइन होगी वो रियल सीक्वेंस डिफाइन होगी जिस पर हम आगे वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी जो मैंने आपको बताई है, लिख देता हूँ उसको। ए सीक्वेंस हुज रेंज
इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेंज हमने डिफाइन की है, कोई भी सबसेट हम रियल नंबर आर का ले सकते हैं वहाँ पर, है ना, तो या आर भी ले सकते हैं, तो यही हमारी जो सीक्वेंस डिफाइन होती है इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस, इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसका डोमेन तो फिक्स है नेचुरल नंबर, और रेंज सेट को हम डिफाइन कर दे रियल नंबर का सबसेट या खुद रियल नंबर, तब इस केस में जो सीक्वेंस डिफाइन होगी वो हमारी कहलाती है रियल नंबर की सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या रियल सीक्वेंस। जैसे कि मैंने कोई भी एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर किया, मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन की एक्स एन इक्वल टू वन अपॉन एन। ठीक है, यदि आप यहाँ पर एन की वैल्यू वन रखेंगी तो वन एलिमेंट मिलेगा, एन की वैल्यू टू रखने पर वन अपॉन टू मिलेगा, एन की वैल्यू थ्री रखने पर वन अपॉन थ्री मिलेगा। तो ये जो हमारा सेट बनेगा वन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री, ये सारे रियल नंबर्स होंगे, इसलिए सीक्वेंस हमारी रियल नंबर की सीक्वेंस कहलाएगी या रियल सीक्वेंस कहलाएगी। और भी एग्जांपल आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर किया माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, इसमें भी एन की वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपको रियल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस हमारी कहलाती है रियल सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। फिर बात करते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, है ना, रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, देखो आपने ऊपर सीक्वेंस को डिफाइन किया जैसे कि ऊपर दो सीक्वेंस है, नहीं कोई ले लो सीक्वेंस हमारी ये हमने डिफाइन की है। तो अगर हम सीक्वेंस की रेंज की बात करें, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट सीक्वेंस में है, यदि उनको उनका हम एक सेट बना दे, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का सेट बना दे सीक्वेंस की, तो वही सीक्वेंस की रेंज को डिफाइन करता है। ठीक है ना, इस बात को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की जितनी भी हमारे डिस्टिंक्ट टर्म है, अगर उनको हम अलग अलग टर्म्स को, जितनी भी अलग अलग टर्म्स है उनको अगर हम सीक्वेंस डिस्टिंक्ट टर्म को अगर हम सेट में लिख दे, एक सेट बना ले, वही हमारी कहलाती है इज कॉल्ड इट्स रेंज, वही सीक्वेंस के लिए रेंज का काम करेगी। ठीक है, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को यदि एक सेट की फॉर्म में लिख दे तो वो हमारी रेंज कहलाती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल वन यहाँ पर कंसिडर किया, एग्जाम्पल वन में मैंने एक सिक्वेंस मानी एक्स एन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, और एन तो आप जानते ही है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा डोमेन की वजह से। अब अगर यहाँ पर इस सिक्वेंस को हम ओपन करें तो ये सिक्वेंस कुछ इस तरीके से होगी, या तो आप हम ये वाला कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला ब्रैकेट भी हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पर, आपको एन की वैल्यू वन रखनी पड़ेगी, माइनस वन आएगा, एन की वैल्यू टू रखने पर प्लस वन, माइनस वन रखने माइनस रखने सॉरी एन की वैल्यू थ्री रखने पर माइनस आएगा, एन की वैल्यू फोर रखने पर वन, तो ओल्ड टर्म पे नेगेटिव और इवन टर्म पे वन मिलेगा। तो अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखिए, पूरी सीक्वेंस में केवल दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे आपको, एक तो होगा माइनस वन और एक होगा वन। ठीक है, तो ये जो मैंने दो एलिमेंटों का सेट बनाया है इस सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का जो मैंने सेट बनाया है, ठीक है ना, यही हमारी सीक्वेंस की रेंज कहलाएगी, रेंज ऑफ एक्शन, यही हमारी सीक्वेंस की रेंज कहलाएगी। और यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, जो रेंज हमने फाइंड की है सीक्वेंस की, जो हमारा दो एलिमेंटों का सेट है, ठीक है ना, ये हमारा कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा। यानी कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जो सीक्वेंस की रेंज होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। इनफाइनाइट किस केस में होगी, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल टू बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दूसरा माना एक्स एन इक्वल टू वन अपॉन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यदि आप सीक्वेंस को ओपन करते हैं तो सीक्वेंस को ओपन करने पर वन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर, एन की वैल्यू वन रखेंगे तो वन आएगा, एन की वैल्यू टू रखने पर वन अपॉन टू आएगा,
है ना। तो एन की नेचुरल नंबर्स जब हम रखते जाएंगे तो आपको इस तरह एक सीक्वेंस मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इस सीक्वेंस में सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब अगर हम इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का सेट लिखें तो ये खुद ही सेट बन जाएगा हमारा जो दिया है हमें सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है ना। और यही सीक्वेंस की जो है हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, रेंज ऑफ एक्शन, यही सीक्वेंस की रेंज कहलाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा ये सेट आया है, इस बार जो हमने यहाँ पर सीक्वेंस की रेंज फाइंड की है वो एक इन्फाइनाइट सेट है। वो कैसे सेट है, एक इन्फाइनाइट सेट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सीक्वेंस की रेंज होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इन्फाइनाइट भी, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट में डेफिनेशन है, ध्यान रखना है जो डेफिनेशंस मैं डिफाइन कर रहा हूँ उनका यूज है आगे, ज़्यादा ब्रॉडली तो नहीं बताऊँगा लेकिन हाँ जितना यूज होगा इतना मैं आपको इस लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस नाम से ही क्लियर है, अगर किसी सीक्वेंस की सभी टर्म कॉन्स्टेंट वैल्यू हो, सेम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो तो वो सीक्वेंस हमारी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी। यानी कि इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ए सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाई, ए सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाई एक्स एन इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें सभी वैल्यू आपको सी मिले, मतलब अगर आप इसको डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस डेफिनेशन, ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, ये हमारा जो है एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये सेट बनेगा, 1 2 3 4 ये होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने जो डिफाइन की है सीक्वेंस वो इस तरीके से है कि जो हमें वन की मैपिंग मिलेगी इधर एक्स वन वो भी सी के बराबर होगा, एक्स टू भी हमारा सी पर मैप करेगा, एक्स थ्री भी हमारा सी पर मैप करेगा। तो यदि इस तरीके से हमारी मैपिंग केवल एक ही एलिमेंट पर होती है तब हम कह सकते हैं सीक्वेंस कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। और अगर इसकी रेंज की बात करें, है ना, अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ एक्शन, इस केस में जो रेंज आएगी केवल इसमें एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो कि सी होगा, और ये आपको एक फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट सेट मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की रेंज एक फाइनाइट सेट होती है। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो होती है बाउंडेड सीक्वेंस, जिसका काफ़ी यूज है आगे हमारा सीरीज में। तो बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करने से पहले मैं डिफाइन करूँगा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी सीक्वेंस जो बिलो से बाउंडेड हो, मतलब नीचे से जो बाउंड होगी किसी रियल नंबर से वो हमारी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगी, है ना। तो उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर, ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी, ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, कोई सीक्वेंस एक्स एन है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगी इफ़ यदि वहाँ पर देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है ये उल्टा ई, है ना, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, यदि वहाँ पर एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे जिसको आप स्मॉल एम का नाम दे, और वो रियल नंबर कुछ इस प्रकार से हो सच डैट कि जितने भी सिक्वेंस की टर्म्स है वे सभी इस रियल नंबर से बड़ी हो या इक्वल हो, बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक है। अगर सीक्वेंस की सभी टर्म्स इस रियल नंबर एम से बड़ी जाती है या एक एक आध केस में इक्वल भी आ जाती है, ठीक है ना, तो ये हमारी सीक्वेंस नीचे से बाउंड हो जाएगी। यहाँ पर ये जो एम है ये हमारा कहलाएगा सीक्वेंस के लोअर बाउंड, एम इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है। ये सीक्वेंस एक्स एन के लिए लोअर बाउंड कहलाएगा स्मॉल एम, और सीक्वेंस हमारी नीचे से बाउंड हो जाएगी स्मॉल एम के द्वारा, इसलिए हम सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। फिर सेम तरीके से हमारा होता है बाउंडेड अबो सीक्वेंस, बाउंडेड अबो सीक्वेंस, बाउंडेड अबो सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारी ऊपर से बाउंड हो जाती है
a sequence xn is said to be bounded above कोई सीक्वेंस हमारी xn है वो बाउंडेड अबो कहलाएगी यदि वहाँ पर एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर और इस बार रियल नंबर को नाम दिया है कैपिटल M का और सच डैट इस प्रकार से रियल नंबर एग्जिस्ट करे कि जितनी भी आपकी सीक्वेंस की टर्म्स है वे इस रियल नंबर से छोटी हो कैपिटल M से छोटी हो टर्म सभी की सभी या एक आध केस में इक्वल भी आ सकता है इक्वल किस केस में आएगा आगे एग्जांपल में बताने वाला हूँ ठीक है मतलब ये है कि सीक्वेंस ऊपर से बाउंड हो जाए किसी नंबर के द्वारा रियल नंबर के द्वारा अगर सीक्वेंस ऊपर से बाउंड है तो यहाँ पर ये जो कैपिटल M है ये हमारा अपर बाउंड कहलाएगा हेयर M इज कॉल्ड अपर बाउंड ये जो कैपिटल M है ये अपर बाउंड कहलाएगा ऑफ द सीक्वेंस xn और अगर ये ऊपर से बाउंड है तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबो कहलाएगी है ना फिर आती है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस क्लियर है अगर कोई सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबो भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो तो वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी है ना तो सेम डेफिनेशन लिखी जाएगी यहाँ पर भी ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस कोई सीक्वेंस एक्स एन है वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी इफ इट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबो शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाउंडेड को मैं बी डबल डी से बोथ अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड अबो भी है तो वो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है या इसको दूसरी डेफिनेशन दूसरी भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं है ना कि ए सीक्वेंस दोनों को मर्ज कर देंगे ऊपर वाले डेफिनेशंस को कोई सीक्वेंस एक्सन है इज सेड टू बी बाउंडेड कोई सीक्वेंस हमारी एक्सन है वो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी इफ देयर एग्जिस्ट यहाँ पर दो रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए है ना जो ऊपर हमने एग्जिस्ट कराए थे स्मॉल m और कैपिटल M दोनों के दोनों रियल नंबर हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करे और इस प्रकार से करे कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो स्मॉल m से तो बड़ी हो और कैपिटल M से छोटी हो इक्वल का साइन भी आ जाता है वो कब आएगा मैं आपको एग्जाम्पल में आगे बताने वाला हूँ तो यदि हम दोनों कंडीशन को मर्ज कर देते हैं बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबो वाली कंडीशन को तो जो हमारी कंडीशन है वो ये बन के आएगी जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है ना और यही होती है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन ओके बाउंडेड नाम से ही क्लियर है कि जिस सीक्वेंस का लोअर बाउंड भी आपको पता हो अपर बाउंड भी आपको पता हो जो कि रियल नंबर होगा है ना ये सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है अगर सीक्वेंस में बिलोंग करेगा तो इक्वल का साइन लगेगा यहाँ पर जैसे मैंने लगाया स्मॉल m कैपिटल M के लिए और अगर ये सीक्वेंस में बिलोंग नहीं करता तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा ठीक है ना क्योंकि मैंने स्मॉल m और कैपिटल M को रियल नंबर बताए हैं वो सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकते हैं नहीं भी ठीक है तो इस बात को हम लिख देते आगे या एक डेफिनेशन और भी है इसकी वो भी बता ही देता हूँ आपको ए सीक्वेंस xn इज कॉल्ड बाउंडेड कोई सीक्वेंस xn हमारी बाउंडेड कहलाएगी इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड यदि सीक्वेंस का रेंज सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड कहलाएगी है ना नोट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये जो कि मैंने बताया कि जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो गए वे सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकते हैं नहीं भी है ना द लोअर बाउंड स्मॉल m एंड अपर बाउंड कैपिटल M मे और मे नॉट बिलोंग टू द सीक्वेंस ठीक है
जो हमारे बाउंड्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर है, ये हमारे सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकते हैं नहीं भी। अगर बिलोंग कर गए तो इक्वल का साइन आता है, अगर बिलोंग नहीं करेंगे तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब इनके एग्जांपल्स देखिए जिससे आपको ये क्लियर होगी डेफिनेशन सारी की सारी। अब एग्जांपल नंबर वन क्लियर करूँगा मैं आपको बाउंडेड बिलो के लिए। कोई सिक्वेंस को बाउंडेड बिलो हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक सिक्वेंस यहाँ पर कंसिडर की लेट, और सिक्वेंस हमारी है एक्स एन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यदि इसको सिक्वेंस की फॉर्म में हम लिखते हैं तो एन की वैल्यू वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, फोर, तो ये नेचुरल नंबर का एक सेट ही बनेगा। और अगर यहाँ पर आप देखते हो, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जितनी भी सीक्वेंस की टर्म है में सारी वन से बड़ी है, और चूंकि वन हमारा एलिमेंट जो है सेट में बिलोंग भी करता है सीक्वेंस के, तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं हम। अगर सीक्वेंस में एलिमेंट बिलोंग करता है तो इक्वल का साइन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना? फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी सीक्वेंस की टर्म है वो सब वन से बड़ी और बराबर है, तो यहाँ पर जो वन होगा वो लोअर बाउंड का काम करेगा, वन इच लोअर बाउंड एंड एक्स एन इज बाउंडेड बिलो, एक्स एन इज बाउंडेड बिलो, ठीक है? और सीक्वेंस एक्स एन हमारी बाउंडेड बिलो हो जाएगी। इसके लोअर बाउंड और भी हो सकते हैं, वन से अगर हम पीछे जाए थोड़ा और तो जीरो भी इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो भी लोअर बाउंड है इसका, माइनस वन भी इसका लोअर बाउंड होगा, है ना? लेकिन ये जो हमने वन फाइंड किया है लोअर बाउंड, ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना? इक्वल का साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा एलिमेंट सिक्वेंस में भी बिलोंग करता है। अब एग्जाम्पल टू को कंसिडर करता हूँ मैं। एग्जाम्पल टू में मैंने कंसिडर किया एक सिक्वेंस को जो कि माइनस एन है, फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यदि यहाँ पर हम इस सिक्वेंस को ओपन करें सिक्वेंस की फॉर्म में, तो एन की वैल्यू वन रखो, एन की वैल्यू टू, एन की वैल्यू थ्री, एन की वैल्यू फोर, ये आपको मिलेगा सेट एक सिक्वेंस के लिए, ये सिक्वेंस की कंप्लीट टर्म्स हो जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सीक्वेंस में वो माइनस वन है, जितने भी बाकी सभी एलिमेंट हैं वो माइनस वन से छोटे हैं, है ना? तो मैं लिख सकता हूँ कि जितनी भी एक्स एंड टर्म्स है सीक्वेंस की वे माइनस वन से छोटी है, और बराबर का साइन इसलिए लगा क्योंकि माइनस वन हमारा सेट में बिलोंग करता है। अगर सेट में बिलोंग करते तो बराबर का साइन हम लगा सकते हैं यहाँ पर, फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब ये जो माइनस वन है ये अपर बाउंड का काम करेगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज माइनस वन इज अपर बाउंड एंड, अगर ये अपर बाउंड है तो सीक्वेंस हमारी ऊपर से बाउंड हो जाएगी, यानी कि सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड अबव, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बाउंडेड बिलो का कराया, एक एग्जांपल बाउंडेड अबव का कराया, एक आध एग्जांपल और देखिए, क्योंकि इसका यूज है इसलिए मैं तीन चार एग्जांपल इसके बताता हूँ आपको। फिर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस का। एक्स एन मैंने एक सीक्वेंस मानी वन अपॉन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, ये सीक्वेंस मैंने कंसिडर की। यदि सीक्वेंस को हम ओपन करते हैं तो एन को वन रखने पर वन, एन को टू रखने पर वन अपॉन टू, एन को थ्री रखने पर वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव, डॉट डॉट डॉट। अब इस सीक्वेंस के लिए हमें दो रियल नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो जो इसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड का काम करे, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो सबसे पहला एलिमेंट वन है, और फिर ये सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज का मतलब वन के बाद सारे एलिमेंट छोटे हैं उससे। तो एक कंडीशन तो आपको पता लग गई होगी कि यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस की टर्म्स है में सभी वन से छोटी है, क्योंकि वन के बाद डिक्रीज होता शुरू हो गया ना ये हमारा। और इक्वल का साइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि वन हमारा सीक्वेंस के सेट में बिलोंग करता है, इसलिए इक्वल का साइन भी लगेगा। तो जी अपर बाउंड तो आपको पता लग गया कि वन इसका अपर बाउंड है सीक्वेंस के लिए, ठीक है ना? अब हम इसका देखेंगे लोअर बाउंड क्या होगा। अब सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है, ऐसे तो अगर हम इसकी लिमिट निकाले एन टर्म के लिए, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो कि वन अपॉन एन होगी, है ना? एन को इन्फिनिटी रखने पर वन अपॉन इन्फिनिटी यानी कि जीरो आएगा।
यानी कि इन्फिनिटी पर हमें जो एलिमेंट मिलेगा, इन्फिनिटी पर हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो जीरो मिलेगा। पर ध्यान रखना, इन्फिनिटी कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इन्फिनिटी पर मिलने वाला एलिमेंट हमारा सिक्वेंस में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो लेकिन रियल नंबर तो है और कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी? कि जितनी भी सिक्वेंस की टर्म है वे सभी जीरो से बड़ी होगी। लेकिन आप ध्यान देना, मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर एलिमेंट मिला है और इन्फिनिटी पर मिलने वाला एलिमेंट सिक्वेंस में बिलोंग नहीं करेगा। ये हमारी अजम्पशन होती है कि हम जाते जाते इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, है ना। लेकिन इन्फिनिटी पर जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा वो आपका सिक्वेंस में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने जीरो के साथ में यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो जीरो यहाँ पर क्या काम करेगा? लोअर बाउंड का काम करेगा, वन यहाँ पर अपर बाउंड का काम करेगा। और ये कंडीशन जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं सभी एलिमेंटों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, देयर फोर हेयर जीरो इज लोअर बाउंड। जीरो जो है वो लोअर बाउंड है, लेकिन जीरो यहाँ पर सीक्वेंस में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि रियल नंबर हो सकता है, बाउंड तो हमारा रियल नंबर होता है ना, तो सीक्वेंस में बिलोंग करे ना करे उससे मतलब नहीं। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर जीरो आपका सेट सीक्वेंस में बिलोंग नहीं करेगा। एंड जो वन है हमारा वो अपर बाउंड का काम करेगा, और आप देख भी सकते हैं वन हमारा सीक्वेंस में बिलोंग करता है, वन इज बिलोंगिंग टू एक्सन सीक्वेंस। ओके, तो वही मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो गए वो सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकते हैं, है ना, और नहीं भी, ठीक है। वो इसलिए बताया था क्योंकि ये रियल नंबर होते हैं। जैसे इन्फिनिटी पर हमें एलिमेंट मिला है जीरो, तो ये हमारा सीक्वेंस में कभी बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे भी नहीं हम। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी सीक्वेंस होगी? बाउंडेड सीक्वेंस होगी, क्योंकि लोअर बाउंड भी आपके पास है और अपर बाउंड भी आपके पास है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस ये जो एक्सन सीक्वेंस है इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अब फिर हम इसमें आगे जाते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस पर। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस की लिमिट को डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। सीक्वेंस की लिमिट जैसे आपने फंक्शन की लिमिट पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सेम तरीके की ही डेफिनेशन होती है, जिसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलते हैं यहाँ पर, है ना। वो कैसे होगी डिफाइन, देखिए जरा। ए सीक्वेंस, कोई एक्सन सीक्वेंस हमारे पास है, हम कहेंगे इज सेड टू टेंड टू ए लिमिट L when n tends to infinity। हम कहेंगे सीक्वेंस हमारी L लिमिट पर टेंड करेगी जब n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे। कब? इफ फॉर ईच एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m। एक पॉजिटिव इंटीजर हमें एप्साइलन के लिए ऐसा मिल जाए जो डिपेंड करता हो एप्साइलन पर, डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन, जो एप्साइलन पर डिपेंड करता हो और इस तरीके से डिपेंड करता हो सच डैट कि आप वहाँ पर एक्सन और एल के मोड, एल के डिफरेंस का मोड निकाले, वो उस एप्साइलन से छोटा होना चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, ठीक है। सीक्वेंस की इन्फाइनेट टर्म्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो, और तब हम कहते हैं कि जो लिमिट है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn वो हमारी L के बराबर है। ये होती है सीक्वेंस की एप्सिलॉन डेफिनेशन, एप्सिलॉन इंटीजर की फॉर्म में हमने डिफाइन की है, m इंटीजर की फॉर्म में। तो xn की लिमिट हमारी L होगी यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए इंटीजर हम फाइंड कर ले कि xn माइनस L का मोड, डिफरेंस का मोड लेस देन एप्साइलन हो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने लिमिट निकाली और वो आपको एल के इक्वल मिले, ठीक है, यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। और ये आप पहले से जानते ही है कि लिमिट फंक्शन की हो, सीक्वेंस की हो, किसी भी चीज़ की लिमिट हो, लिमिट हमेशा यूनिक होती है, है ना। लिमिट कैसी होगी? हमेशा यूनिक होगी। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस
लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है। ओके तो आप ध्यान रखना कि चाहे आप इवन टर्म्स की लिमिट निकालें सीक्वेंस के लिए, या ओड टर्म की लिमिट निकालें, या जनरल टर्म एन टर्म की लिमिट निकालें, सबकी लिमिट सेम आएगी अगर लिमिट है तो। ठीक है ना, इसी का यूज करेंगे हम आगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम डिफाइन करते कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ये लिमिट से ही मिलके बनती है हमारी, है ना। कोई सीक्वेंस है एक्सएन, ए सीक्वेंस एक्सएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस xn है वो हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि ये जो आपने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn की लिमिट निकाली है l, है ना, ये एक फाइनाइट नंबर आ जाए। ये एक कैसा नंबर आए, फाइनाइट नंबर आए। और चूंकि यहाँ पर लिमिट की बात है, लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, तो मैं आपको केवल वही कंसेप्ट बताऊँगा जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉन्ग का क्वेश्चन तो नहीं आता है। इसमें हमारा एक शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन आता है दो नंबर में, तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। वैसे तो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन जो मैंने बताई है लिमिट की, उससे भी हम क्वेश्चंस की लिमिट निकाल सकते हैं सीक्वेंस की, लेकिन मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली हो जाए और आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी यदि हम उसकी लिमिट निकाले वो एल के इक्वल हो और एल हमारा यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आए। एल हमारा यहाँ पर क्या है, कोई फाइनाइट नंबर आए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है, तो अगर सीक्वेंस की लिमिट आपको फाइंड करनी है तो आप यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो यूज करना, क्योंकि 2 नंबर में वो तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि सीक्वेंस की लिमिट क्या है तो आप सीक्वेंस की जनरल टर्म की लिमिट निकाल के देखना, इवन टर्म्स की लिमिट निकाल के देखना, ओड टर्म्स की लिमिट निकाल के देखना। अगर तीनों लिमिट सेम आ जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वहाँ पर लिमिट यूनिक होगी और वही हमारी सीक्वेंस के लिए लिमिट हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जांपल नंबर 1, हमने एक सीक्वेंस मानी xn इक्वल टू 1/n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमें देखना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, और कन्वर्जेंट है तो किस लिमिट पर ये कन्वर्ज करेगी। तो जो तरीका मैंने बताया वो तरीका यूज करेंगे आप, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, तो ये वाला का तरीका यूज करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो nth टर्म की डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। अगर nth टर्म की डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं तो ये 1/∞ इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, जो इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स कैसे मिलेगी, यदि आप n की जगह पे 2n रख देते हैं तो हमें इवन टर्म्स मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2n, और जब इसमें आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी 1/∞ 0 ही देगा। फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं ये ओड टर्म्स की लिमिट, जो कि x 2n + 1 होगी, और 2n + 1 क्यों करते हैं, क्योंकि 2n + 1 रखने पर, 2n रखने पर इवन टर्म्स मिलेगी, 2n + 1 रखने पर सारी ओड टर्म्स मिलेगी। तो जो सीक्वेंस हमें दी है उसमें n की जगह पे 2n + 1 रखने पर आपको ये मिलेगा, है ना। और यदि आप n को इन्फिनिटी रखते हो तो यहाँ पर 1/∞ आएगा, ये भी सेम 0 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि सीक्वेंस की जनरल टर्म की लिमिट, सीक्वेंस की इवन टर्म्स की लिमिट और सीक्वेंस की ओड टर्म्स की लिमिट, सबकी लिमिट सेम आई है, और आप जानते हैं लिमिट यूनिक होती है, तो आप लिख सकते हैं देयरफोर कि यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें दी है उसकी लिमिट 0 होगी। यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें दी है उसकी लिमिट 0 होगी, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंट है, एंड किस पे कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू लिमिट 0, 0 लिमिट पर कन्वर्ज करती है।
तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करने जैसे मैंने बताया, क्योंकि 2 नंबर में हम ज़्यादा बड़ा ब्रॉड प्रोसेस आपको नहीं बताएंगे। कई सारे तरीके होते हैं लिमिट निकालने के और कन्वर्जेंसी चेक करने के, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया मैंने, ये आपको यूज करना है। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाता है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, तो आप जनरल टर्म की लिमिट निकालेंगे, इवन टर्म की लिमिट निकालेंगे और टर्म की लिमिट निकालेंगे। अगर मैं तीनों सेम आपको मिलती है, एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है जैसा कि आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, तो वो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी। ओके चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन होती है यहाँ पर डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करें, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होगी, बिल्कुल सेम है। जो हम लिमिट निकालते अगर वो इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट होगी। ए सीक्वेंस एक्स एन इज सैड टू बी डाइवर्जेंट, कोई सीक्वेंस एक्स एन है डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी हमारी वो, इफ यदि आप लिमिट निकाले एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन की, या तो वो इन्फिनिटी आए या फिर वो माइनस इन्फिनिटी आए, कोई एक आनी चाहिए। या तो इन्फिनिटी मिले आपको इवन टर्म पर भी, जनरल टर्म पर भी, ओड टर्म पर भी, या तीनों टर्म्स के लिए आपको माइनस इन्फिनिटी मिले, तो सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट कहलाएगी, ठीक है ना। अब इसके लिए भी एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर किया, एक्स एन को मैंने मान लिया कि वो एन के इक्वल है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, चेक करना है कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है। तो मैंने क्या किया, पहले जनरल टर्म की यहाँ पर लिमिट निकाली, हेयर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन की डायरेक्ट निकाली, जो आपको मिलेगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू रख देंगी, ये आपको इन्फिनिटी मिलेगा। फिर हम यहाँ पर इवन टर्म की लिमिट निकालेंगे, इवन टर्म कैसे मिलती है, एन की जगह पे टू एन रख देते हैं, यदि एन की जगह पे टू एन सीक्वेंस में रखोगे तो ये आपको टू एन मिलेगा, इसमें भी इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा। ऐसे ही फिर आप ओड टर्म की लिमिट्स निकालो, टू एन प्लस वन, ये आपको क्या देगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये टू एन प्लस वन आएगा, ये भी इन्फिनिटी आएगा। यानी कि जनरल टर्म, इवन टर्म, ओड टर्म, तीनों टर्म की लिमिट आपकी सेम आई है, और अगर तीनों टर्म की लिमिट सेम आई है, इन्फिनिटी है ना, फाइनाइट तो नहीं है, इन्फिनिटी है, तो आपकी जो सिक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगी। देयर फोर द सिक्वेंस, देयर फोर द सिक्वेंस एक्स एन इज डाइवर्जेंट, द सीक्वेंस एक्स एन इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट होगी, किस पर डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी पर वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी किसी सीक्वेंस के भी बता सकते हैं। इसके लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, है ना। इसमें एक नोट ध्यान में रखना आप, कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्ज करे फाइनाइट नंबर पर और ना डाइवर्ज करे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर, तो उस केस में वो ऑसिलेट करती है ना। तो ये बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इफ ए सीक्वेंस एक्स एन नाइदर कन्वर्जिस टू ए फाइनाइट नंबर, ठीक है, कोई सीक्वेंस एक्स एन है जो ना तो कन्वर्ज करे किसी फाइनाइट नंबर पर नोर डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर भी डाइवर्ज ना करे, ठीक है ना, तो इस केस में वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। इट इज कॉल्ड
It is called an oscillatory sequence. तो इस केस में वो oscillatory sequence कहलाती है. और यहाँ पर oscillatory sequence दो टाइप की हम डिफाइन करने वाले हैं. There are two types of oscillatory sequence. There are two types of oscillatory sequence. दो टाइप के ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट टाइप होता है ऑसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस. ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए बाउंडेड सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड हो, विच डज नॉट कन्वर्ज. एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड तो हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो. ए बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, वही हमारी कहलाती है, इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस. एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड तो हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो, वो ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, है ना. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर ऑसिलेट फाइनाइटली का. कंसीडर की एक सीक्वेंस एक्स एन माइनस वन की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. ओपन करते हैं सीक्वेंस के लिए हम, तो एन को वन रखने पर माइनस वन, टू रखने पर वन, माइनस वन वन, माइनस वन वन, यही टर्म्स मिलेगी. देख सकते हैं ऑसिलेट तो कर रही है, माइनस वन वन, माइनस वन वन, ऑसिलेट तो कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम यहाँ पर चलते हैं. तो इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कि जो एक्सएन सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड का काम करेगा माइनस वन करेगा, अपर बाउंड का काम वन करेगा. तो जितनी भी सीक्वेंस की टर्म है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना. फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो जाएगी. देयरफॉर एक्सएन इज बाउंडेड, यानी कि जो सीक्वेंस हमने मानी है बाउंडेड है. अब देखते हैं इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी. और कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इवन टर्म और ओड टर्म की लिमिट निकाल के देखते हैं यहाँ पर. अगर आप इवन टर्म की लिमिट निकालते हो तो एन की जगह पे टू एन रखना पड़ेगा, यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन की जगह पे टू एन अगर आप रखते हो तो ये माइनस वन का स्क्वायर बन गया. माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन होता है, और प्लस वन की पावर एन करेंगे तो वन ही आएगा हमेशा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू वन देगा. फिर हम इसमें ओड टर्म की लिमिट निकालते हैं तो n की जगह पे 2n प्लस 1 रखना पड़ेगा. यदि आप ओड टर्म पर लिमिट निकालोगे तो ये n की जगह पे 2n प्लस 1 रखने पर माइनस वन की पावर 2n प्लस 1 मिलेगा, और माइनस वन की अगर ओड पावर है तो वो हमेशा वैल्यू आपको माइनस वन देगा, ठीक है ना. इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, ये चेक कर लिया कि जो सिक्वेंस है वो बाउंडेड तो है लेकिन इवन टर्म पर आपको 1 लिमिट देती है और ओड टर्म पर माइनस वन लिमिट देती है. तो इसका मतलब सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि लिमिट हमेशा कैसी होती है, यूनिक होनी चाहिए. जैसे कि आपने पुराने क्वेश्चन सभी देखे थे, पिछले वाले क्वेश्चन, इवन टर्म, ओड टर्म और जनरल टर्म तीनों की लिमिट सेम थी, तभी तो हमने कन्वर्जेंट कहा था. लेकिन यहाँ पर इवन टर्म पे वन लिमिट आई है, ओड टर्म पे माइनस वन लिमिट आई है, तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड तो है, इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है. और अगर ऐसा है तो फिर आप कह सकते हैं कि ऑसिलेट करेगी फाइनेटली, हैंस एक्शन ऑसिलेट फाइनेटली. तो फिर जो हमारी एक्शन सीक्वेंस है वो ऑसिलेट करेगी फाइनेटली, क्योंकि कोई ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड हो, कन्वर्जेंट ना हो, वो ऑसिलेट करती है फाइनेटली. फिर इसी की दूसरी डेफिनेशन होती है आपकी ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस. ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस, अब कोई सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली कब होगी, है ना. ये भी सेम डेफिनेशन है आपकी ऑलमोस्ट. एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जो अनबाउंडेड हो, मतलब बाउंडेड ना हो, विच
डज नॉट डाइवर्जेंट, एक अनबाउंडेड सिक्वेंस जो डाइवर्जेंट ना हो वो हमारी कहलाती है इज कॉल्ड एन ऑसिलेटिव इनफाइनेटली सिक्वेंस। ऑसिलेट इनफाइनेटली सिक्वेंस, तो एक ऐसी अनबाउंडेड सिक्वेंस जो डाइवर्जेंट ना हो वो ऑसिलेट करती है इनफाइनेटली, एक बाउंडेड सिक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो ऑसिलेट फाइनेटली, और एक अनबाउंडेड सिक्वेंस जो डाइवर्जेंट ना हो ऑसिलेट इनफाइनेटली, ऐसे इसको याद करेंगे हम, है ना। इसका भी एक एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सिक्वेंस कंसिडर की यहाँ पर एक्स एन जो कि माइनस वन की पावर एन इंटू एन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। फिर यहाँ पर हम सिक्वेंस को पहले ओपन करते हैं, एन को वन रखा तो माइनस वन, एन को टू रखा तो प्लस टू, एन को थ्री रखा तो माइनस थ्री, एन को फोर रखा तो फोर आएगा, है ना। तो ओड टर्म्स पे निगेटिव मिलेगा और इवन टर्म पे पॉजिटिव मिलेगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे सिक्वेंस की फॉर्म में, तो डॉट 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 माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन टू फोर सिक्स। आप देख सकते हैं कि निगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी और पॉजिटिव साइड में प्लस इन्फिनिटी तक चली जाएगी, यानी कि हमें यहाँ पर दो रियल नंबर ऐसे नहीं मिल पाएंगे जिससे कि हम सिक्वेंस को बाउंड करा दें, ठीक है ना। तो ये कैसी सिक्वेंस होगी हमारी यहाँ पर, ये हमारी अनबाउंडेड सिक्वेंस होगी। लिख सकते हैं आप देयरफॉर एक्स एन इज अनबाउंडेड सिक्वेंस, ये जो हमें एक्स एन सिक्वेंस यहाँ पर मिलेगी ये एक अनबाउंडेड सिक्वेंस होगी। अब हम इसकी चेक करते हैं डाइवर्जेंसी या कन्वर्जेंसी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले मैं इसमें इवन टर्म पे लिमिट निकालता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिमिट निकालते हो इवन टर्म पर, यानी कि एन की जगह पे टू एन रखने पर, एन की जगह पे टू एन रखने पर माइनस वन की पावर टू एन हो जाएगा, इंटू में टू एन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस होता है ना। तो ये आपकी जो टर्म्स है प्लस टू एन आपको मिलेगी, और जब आप इसमें एन को इन्फिनिटी रखोगे तो प्लस की इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर हम ओड टर्म निकालेंगे, ओड टर्म पर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू एन प्लस वन, जो आपको देगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। और यदि आप यहाँ पर माइनस वन की ओड पावर करोगे तो निगेटिव साइन आपको मिलता है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टू एन प्लस वन, और यदि आप एन को इन्फिनिटी रखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो इवन टर्म्स की लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी है, ओड टर्म की लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है, यानी कि सिक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट होती तो इवन टर्म पे भी सेम लिमिट मिलती इन्फिनिटी, ओड टर्म पे भी सेम लिमिट मिलती और जनरल टर्म पे भी सेम लिमिट मिलती। लेकिन यहाँ पर इवन टर्म पर प्लस इन्फिनिटी आया है, ओड टर्म पर माइनस इन्फिनिटी है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिक्वेंस एक्स एन इज अनबाउंडेड, सिक्वेंस एक्स एन इज अनबाउंडेड एंड नॉट डाइवर्जेंट, अनबाउंडेड भी है और डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो बाय द डेफिनेशन ये क्या होगी, दिस इंप्लाइज एक्स एन ऑसिलेट इन्फाइनेटली, एक्स एन ऑसिलेट इन्फाइनेटली। तो फिर तो ये कैसे ऑसिलेट करेगी, इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी हमारी, ठीक है। तो ये होती है हमारी सीक्वेंस ऑसिलेट करने वाली फाइनाइटली। फाइनाइटली में क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो तो फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी, और एक अनबाउंडेड सीक्वेंस जो डाइवर्जेंट ना हो वो ऑसिलेट करती है इनफाइनाइटली, है ना। अब आपको यहाँ पर एक दो एग्जांपल और कराता हूँ, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, डिस्कस दो नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जैसे मैं कराऊंगा अब आपको, और बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। वैसे तो उसको करने के कई सारे मेथड है, लेकिन आपको बेस्ट और सिंपल बताया जिससे कि आपका टू मार्क्स का क्वेश्चन इजीली हो जाए। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, हमें यहाँ पर सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंस चेक करनी है, वेयर तीन क्वेश्चन आपके है ही, एक है एन प्लस वन अपॉन एन, दूसरा है एन इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, तीसरा है एन इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन थ्री, प्लस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 वन अपॉन थ्री की पावर एन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। तो सब में यही मेथड लगाऊंगा मैं, जनरल टर्म पर लिमिट, ओड टर्म पर लिमिट, इवन टर्म पर लिमिट, है ना, वही सिंपल सा मेथड लगाएंगे जिससे इजीली हो भी जाते हैं। जैसे कि इसका सॉल्यूशन नंबर वन पार्ट देखिए, गिवन है वहाँ पर आपको ए एन एक सिक्वेंस दी है जो कि एन प्लस वन अपॉन एन है, जिसको आप वन प्लस वन अपॉन एन भी लिख सकते हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अगर आप यहाँ पर जनरल टर्म की लिमिट निकालते हो एक्स एन, सॉरी ए एन की, ए एन दी है ना, तो ए एन की अगर आप जनरल टर्म की लिमिट निकालते हो तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन, एन को इन्फिनिटी रखने पर आपको वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी यानी कि जीरो वन ही मिलेगा। इवन टर्म पर अगर लिमिट निकालते हो यानी कि एन की जगह पे टू एन रखे अगर आप लिमिट निकालते हो तो ये आपको वन प्लस वन अपॉन टू एन मिलेगा, और इन्फिनिटी रखने पर इस बार भी वन ही मिलेगा। और ऐसे ही लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एन प्लस वन रखने पर ये भी आपको क्या देगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन, इससे भी आपको सॉल्व करके वन ही मिलेगा। यानी कि आपने सीक्वेंस की जनरल टर्म की लिमिट निकाली वो भी वन, इवन टर्म की लिमिट निकाली वो भी वन, और ओड टर्म की लिमिट निकाली वो भी वन, है ना, और लिमिट यूनिक होती है और फाइनाइट भी है यहाँ पर, तो आप लिख देंगे कि जो सीक्वेंस ए एन है इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस हमारी ए एन कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिस टू एंड कन्वर्जिस टू द लिमिट, कन्वर्जिस टू द लिमिट वन, वन लिमिट पर कन्वर्ज करती है। तो दो नंबर में इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चंस, ये बहुत इजी क्वेश्चंस, वो बहुत ही इजी मेथड बताया आपको मैंने। फिर हम एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह के, ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, दूसरा फोर्थ वाला पार्ट लिया मैंने यहाँ पर, ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो इसमें भी अगर आप जनरल टर्म की लिमिट निकालते हो पहले, यानी कि ए एन की लिमिट निकालते हो, तो ए एन की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, और इसको अगर सॉल्व करें तो एन ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, एन नीचे से, तो ये वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन बनेगा। इसको सॉल्व करने पर वन अपॉन वन प्लस जीरो यानी कि वन आएगा। फिर हम इसकी इवन टर्म्स की लिमिट निकालते हैं एन को टू एन रखने पर, यदि एन को टू एन आप रखते हो तो सेम केस बनेगा, टू एन अपॉन टू एन प्लस वन, ऊपर से भी एन कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी एन कॉमन लेंगे, उसको काट देंगे तो टू अपॉन टू प्लस वन अपॉन एन मिलेगा, जो कि टू अपॉन टू प्लस जीरो देगा, सॉल्व करके वन ही आएगा। ऐसे ही आप इसकी ओड टर्म की भी लिमिट निकाल सकते हो, जो कि आपको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, और ऊपर भी हम एन को टू एन प्लस वन रख देंगे, नीचे भी एन को टू एन प्लस वन रखेंगे, तो टू एन प्लस वन और एक प्लस वन पहले से है तो टू एन प्लस टू हो जाएगा हमारा ये इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ऊपर से भी एन कॉमन लेंगे, नीचे से भी एन कॉमन लेंगे, तो टू प्लस वन अपॉन एन और टू प्लस वन अपॉन एन, सॉरी टू प्लस टू अपॉन एन, एन को इन्फिनिटी रखने पर टू अपॉन टू एन के वन ही आएगा। तो आपने देखा कि तीनों टर्म, जनरल टर्म, इवन टर्म और टर्म, तीनों में सेम फाइनाइट लिमिट मिली आपको वन, तो आप कह सकते हैं देयर फोर कि यहाँ पर जो ए एन सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, ए एन सिक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिस टू, किस पर कन्वर्जिस करती है, लिमिट पर कन्वर्जिस टू लिमिट वन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर हमें दिया था एक क्वेश्चन, ये सीरीज वाला थर्ड क्वेश्चन देखिए, है ना, एन इक्वल टू वन 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 प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन अपॉन थ्री की पावर एन। तो थर्ड वाला पार्ट देखेंगे हम इसमें, गिवन है हमें एन इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वन अपॉन थ्री की पावर एन। देखा जाए तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, और ज्योमेट्रिक सीरीज में भी देखा जाए तो फर्स्ट टर्म देखते हैं ना, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है, और जो रेशियो हम निकालते हैं कॉमन रेशियो वो हमारा वन अपॉन थ्री है,
जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो इससे आपको ए एन की वैल्यू मिलेगी। फॉर्मूला होता है इस केस में सम का ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा, यदि आर की वैल्यू लेस देन वन हो। तो ये टर्म्स देखनी आपको पहले कितनी है। ये टर्म्स देखी जाए तो एन टर्म तो हो जाएगी लेकर यहाँ से यहाँ तक, और एक वन वाली टर्म है तो ये एन प्लस वन टर्म है। तो ध्यान रखना फॉर्मूले में हम एन की जगह पे एन प्लस वन यूज करेंगे, ए की वैल्यू वन यूज करेंगे और आर की वैल्यू वन अपॉन थ्री यूज करेंगे। तो ये मिलेगा वन, वन माइनस आर की वैल्यू वन अपॉन थ्री की होल पावर एन है, लेकिन एन की जगह पे एन प्लस वन चलेगा क्योंकि हमारे पास एन प्लस वन टर्म है ना, और अपॉन में आपको मिलेगा वन माइनस आर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ए एन हमारा मिलेगा सॉल्व करके थ्री माइनस वन, टू अपॉन थ्री, ऊपर जाके थ्री अपॉन टू हो जाएगा और अंदर मिलेगा वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन। तो ये हमने इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई पहले कर लिया, अब हम इसकी इवन टर्म की लिमिट, ओड टर्म की लिमिट और जनरल टर्म की लिमिट निकालेंगे। हेयर अगर आप यहाँ पर इसमें लिमिट निकालते हो डायरेक्ट ए एन की, तो वो आपको मिलेगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी थ्री अपॉन टू एंड वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन। एन को इन्फिनिटी रखने पर आपको वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर इन्फिनिटी मिलेगा, और थ्री की पावर इन्फिनिटी का मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा, और वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब जीरो होता है, और सॉल्व करके थ्री बाई टू मिलेगा। ठीक है ना, सॉल्व करके हमें थ्री बाई टू फाइंड होगा। ये हो गई जनरल टर्म की लिमिट, अब इवन टर्म की निकालेंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू एन की लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी थ्री अपॉन टू, एन की जगह पे हम यहाँ पर टू एन रख देंगे, लेकिन एन को इन्फिनिटी रखने पर ये भी आपको थ्री अपॉन टू वन माइनस जीरो ही मिलेगा, यानी कि थ्री अपॉन टू ही मिलेगा। ऐसे ही आप इसमें ओड टर्म पे भी लिमिट फाइंड कर सकते हो, ए टू एन प्लस वन है ना, जिसमें हम सॉल्व करते हैं तो थ्री अपॉन टू बाहर रहेगा और एन की जगह पे टू एन प्लस वन रखते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको थ्री की पावर टू एन प्लस, यानी कि टू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस टू होगा, लेकिन सॉल्व करने पर ये भी थ्री अपॉन टू इंटू वन माइनस जीरो, यानी कि थ्री अपॉन टू ही देगा। तो आपने देखा कि जनरल टर्म, इवन टर्म और टर्म सभी पे आपको सेम फाइनाइट वैल्यू मिली है थ्री बाई टू। तो आप कह सकते हैं देयरफोर कि ये जो सिक्वेंस हमें दी है इज, ये कन्वर्जेंट है, ये सिक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिज टू द लिमिट, एंड कन्वर्जिज टू द लिमिट, और किस लिमिट पर कन्वर्ज करेगी, ये थ्री अपॉन टू लिमिट पर, ये हमारी यहाँ पर सिक्वेंस जो है कन्वर्ज करेगी। ओके, तो ये हमारे इसके कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी क्वेश्चन है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है सॉल्व करने की, इनको ये आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ईजिली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपका और लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। एग्जामाइन द कन्वर्जेंस, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी है आपको वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, वन अपॉन एट, वन अपॉन सिक्सटीन, डॉट डॉट डॉट। इस सीक्वेंस की आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस आपको दी है उसकी हमें जनरल टर्म यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमें सीक्वेंस दी है एक्स एन मान लेता हूँ उसको मैं, और ये हमें दी है वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, वन अपॉन एट, वन अपॉन सिक्सटीन, डॉट डॉट डॉट। तो अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वन अपॉन टू की पावर वन, वन अपॉन टू की पावर टू, वन अपॉन टू की पावर थ्री, वन अपॉन टू की पावर फोर, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो nth टर्म मिलेगी therefore, यहाँ पर जो आप nth टर्म फाइंड करेंगे जनरल टर्म xn, वो हो जाएगी वन अपॉन टू की पावर n, फोर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है।
क्योंकि 1, 2, 3, 4 इसका जो nth टर्म निकलती है सीरीज की वो n होती है, तो इसलिए 2 की पावर n हमारा जो है यहाँ पर जनरल टर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जनरल टर्म, इवन टर्म, ओड टर्म तीनों की लिमिट फाइंड करेंगे। नाउ यदि आप लिमिट फाइंड करते हो डायरेक्ट एक्सन की, यानी कि n को आप इन्फिनिटी रखते हो, तो ये आपको 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 1/∞ यानी कि 0 मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर लिमिट निकालेंगे इवन टर्म की, वो भी 0 आएगी। ओड टर्म की लिमिट निकालेंगे तो वो भी हमारे यहाँ पर 0 ही आएगी। तो आप देख सकते हैं कि तीनों लिमिट सेम आई है, देयरफोर जो सीक्वेंस दी है आपको वो कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जेस टू द लिमिट, एंड कन्वर्जेस टू द लिमिट 0, 0 पर कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सा और बेस्ट मेथड बताया है जिससे आप 2 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने का। वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं लेकिन आपको सबसे बेस्ट बताया है जो कि आप आपके सिलेबस के हिसाब से फिट भी बैठता है हमारा यहाँ पर, है ना। फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपको याद रखनी है जिसको मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है ना। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, अगर कोई सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो वो सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है। ओके, जैसा कि ये सीक्वेंस हमें दी है, ए एन सीक्वेंस मान लेता हूँ कि हमारी ए एन सीक्वेंस है, तो इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग का मतलब यदि इसके टर्म्स बढ़ती जाए मतलब फर्स्ट टर्म से जो अगली टर्म है वो उससे बड़ी हो, उससे अगली टर्म उससे बड़ी हो, यानी कि ए एन जो है वो लेस देन हो, इक्वल टू हो ए एन प्लस वन के, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। यदि एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो ए वन ए टू से छोटा, फिर ए टू ए थ्री से छोटा, इसी तरीके से सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर सेम होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की, यदि सीक्वेंस की टर्म घटती जाती है यानी कि ए एन बड़ा हो जाए ए एन प्लस वन से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर एन की वैल्यू रखेंगे तो ए वन बड़ा होगा ए टू से, ए टू बड़ा होगा ए थ्री से, यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो घटती जा रही है, तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। यहाँ पर देखा आपने इक्वल के साइन थे, यदि दोनों में से इक्वल के साइन घटा दे तो ये बन जाती है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है। नंबर 3 में सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन लेस देन ए एन प्लस वन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। जो ऊपर इक्वल का साइन था अगर वो हटा देते हैं तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की सीक्वेंस हो जाती है। ऐसे ही होती है आपकी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यदि दूसरी डेफिनेशन में से भी हम इक्वल का साइन हटा दें तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। चारों ही सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक वो कहलाएगी ही कहलाएगी। फिर यहाँ पर कन्वर्जेंसी के कुछ कंडीशंस है जो कि सीरीज में आगे यूज होगी हमारी काफ़ी ना। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो, और वो बाउंडेड अबो भी हो, वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। ये रिजल्ट है जो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए, जो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, है ना, जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबो है तो कन्वर्जेंट होगी, कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। तीसरी कंडीशन, अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो और वो बाउंडेड भी है तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो तीनों कंडीशन काफ़ी यूजफुल है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबो कन्वर्जेंट, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो कन्वर्जेंट, और कोई मोनोटोनिक चाहे वो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड भी है तो वो हमारी वो भी कन्वर्जेंट होगी। फिर इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है विच इज़ नॉट बाउंडेड अबो, लेकिन वो बाउंडेड अबो नहीं है, तो वो हमेशा
प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिक्वेंस जो बाउंडेड अबो मतलब ऊपर से बाउंड ना हो वो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट होती है। और ऐसे ही अगर एक कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो ना हो वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि सीरीज़ वाला जो चैप्टर हमारा चलेगा उसमें काफ़ी यूजफुल ये प्रॉपर्टीज़ हमारी है। फिर लास्ट में इसमें हमारा आता है अलजेब्रा ऑफ सिक्वेंस। जैसे आपने फंक्शन की लिमिट के लिए पढ़ा था, ऐसी सिक्वेंस की लिमिट के लिए होता है कि अगर ए एन की लिमिट एल वन है और बी एन की लिमिट एल टू है, दो सिक्वेंस हमारी ये हैं, एक की लिमिट एल वन है एक की लिमिट एल टू है, अगर सिक्वेंस को ऐड करेंगे तो लिमिट का सम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिमिट सम हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिक्वेंस को डिवाइड करेंगे तो लिमिट डिवाइड हो जाएगी। पर ध्यान रखना एल टू की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। फिर अगली कंडीशन, अगर ए एन की लिमिट एल है तो उसके मॉडुलस की लिमिट मोड एल हो जाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए एन सिक्वेंस हमारी दो कन्वर्जेंट सिक्वेंस है तो उनका जो सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा, उनका डिफरेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा, उनकी मल्टीप्लाई भी कन्वर्जेंट होगी और उनका डिवाइडेशन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिक्वेंस के लिए बस बेसिक जो आपका यूज होने वाला है वो सब चीज़ें मैंने इस लेक्चर में बताई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है ना। और आगे हमारा मेन टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा सीरीज जिसमें ये कंसेप्ट जो मैंने आज आपको बताया है ऑसिलेट फाइनेटली वाला, ऑसिलेट इनफाइनेटली वाला, क्योंकि सीरीज जो है सिक्वेंस के बिहेवियर पर ही सब कुछ चलती है, सिक्वेंस के बिहेवियर के जैसे ही उसका बिहेवियर होगा है ना, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी ऑसिलेट फाइनेटली इनफाइनेटली का, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है ताकि आप इसको अच्छे से यूज कर सके आगे और आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।